सूर्यांश साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच चंद्रपुर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय साहित्य पुरस्कार समारोह में अमलनेर में 97वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर रविन्द्र शोभने की प्रमुख उपस्थिति थी। इस समारोह में चंद्रपुर नगरी उनके आगमन पर स्वागत और अभिनंदन किया। अमलनेर में आयोजित होने वाले 97वें अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर रविन्द्र शोभने ने राय व्यक्त की। एक वर्ष के भीतर मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल जाएगा और सभी संकायों में मराठी को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। मराठी भाषा इंडो यूरोपीय भाषाओं में से एक जानी जाती है। मराठी भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक प्रमुख भाषा है। मराठी महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक भाषा और गोवा राज्य की सह आधिकारिक भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मराठी बोलने वालों की कुल आबादी लगभग 14 करोड़ है। जिन लोगों की मातृभाषा मराठी है उनकी संख्या के मामले में मराठी दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी भाषा है और भारत में 3री सबसे बड़ी भाषा है। मराठी भाषा भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक है और महाराष्ट्रीयन प्राकृतिक का आधुनिक रूप है। मराठी लगभग 2400 वर्ष पुरानी है। महाराष्ट्र मराठी भाषियों का राज्य होने के कारण मराठी भाषा को विशेष महत्व प्राप्त है। आज तक मराठी भाषा में कई महान साहित्यिक कृतियों का निर्माण हुआ है और इसमें लगातार इजाफा होते ही जा रहा है। मराठी भाषा कुछ हद तक गोवा गुजरात जैसे राज्यों में भी बोली जाती है। गोवा में मराठी का एक समृद्ध इतिहास है। वे सूर्यांश साहित्य एवं सांस्कृतिक मंच चंद्रपुर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। या मताचा मी सुद्धा आहे आणि त्या संदर्भामध्ये महाराष्ट्र शासनानं ज्या पूर्तता करायला पाहिजे होत्या त्या सगळ्या पूर्तता केलेल्या आहेत। फक्त आता केंद्र सरकारकडून ही घोषणा व्हायची आहे आणि केंद्र सरकारने सुद्धा ते विचारार्थ घेतलेलं आहे। अशा प्रकारची एक माहिती आपल्यापर्यंत आलेली आहे। बघूया कदाचित त्या एखाद वर्षामध्ये मराठीला निश्चितपणे अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल अशा पण आशा करूया। ठीक बरोबर आहे, तुमचं म्हणणं मला पटतं आणि त्याच मताचं मी आहे। कारण की सगळ्याच विद्याशाखांमध्ये मराठी हा विषय अनिवार्य करावा आणि मराठी विषय अनिवार्य करून ही जी मराठीची आता जी अवकळ आहे ती किमान काही प्रमाणामध्ये सुद्धा आपल्याला बाजूला सारता येईल आणि मराठी साहित्याविषयी मराठी भाषेविषयी मराठी एकूणच संस्कृतीविषयीचा जो एक जागर आहे तो अधिक मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला उभा करता येईल। मिस न्यूज के लिए चंद्रपूर से सुनील ताड़ी की रिपोर्ट।